Welcome back students, this is the video for class 2, subject computer, and this is your lecture number 11. In the last chapter, we completed our chapter number 2, that is, we completed what was given in your textbook portion for reading. And now, in this video, we will see what are the different activities given in your textbooks and try to solve them. हमने आपके पिछले वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म कर दिया था, जितना भी आपका पढ़ने का पोर्शन था. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके बुक्स में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं. तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको सॉल्व करनी है. हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपके क्या दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इनको सर्कल करना है कहाँ, इस ग्रिड में. तो आपका फर्स्ट वर्ड है यूपीएस, तो यहाँ पे हम यूपीएस को सर्कल करेंगे. फिर है विंडोज़, तो विंडोज़ आपका कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका विंडोज़ हो गया. फिर है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये आप डेस्कटॉप को सर्कल करेंगे. फिर आपका है आइकन्स, आइकन्स कहाँ है, तो आइकन्स यहाँ पे दिया हुआ है. फिर है आपका टास्क बार, टास्क बार कहाँ है, टास्क बार आपका है यहाँ पर, ये आपका टास्क बार हो गया. फिर है टाइम, टाइम कहाँ लिखा हुआ है, टाइम यहाँ पे है, ठीक है. फिर है सीपीयू, सीपीयू यहाँ पे है, और सीपीयू के बाद है मॉनिटर, मॉनिटर कहाँ है, यहाँ पर, तो ये आपका मॉनिटर है. फिर है क्लिक, क्लिक कहाँ दिया हुआ है, तो क्लिक आपका यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक ये यहाँ हो गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है नंबर द फॉलोइंग पिक्चर्स टू इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद हम जो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, हमें वो स्टेप्स लिखने हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये मॉनिटर पे क्लिक कर रहा है, ये यूपीएस पे क्लिक कर रहा है, ये सीपीयू पे क्लिक कर रहा है, ये पावर स्विच पे क्लिक कर रहा है. तो सबसे पहले हम किस चीज़ को क्लिक करते हैं, तो हम सबसे पहले पावर स्विच को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे. फिर है हम सबसे पावर स्विच ऑन करने के बाद फिर क्या ऑन करते हैं, यूपीएस ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये यूपीएस ऑन हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप 2 कर देंगे. फिर है इसके बाद हम क्या ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन करते हैं, तो स्टेप 3 हो जाएगा ये, और आपका स्टेप 4 ये हो जाएगा जहाँ हम मॉनिटर को ऑन कर रहे हैं. आपका थर्ड क्वेश्चन है जैस्मिन वॉन्ट्स टू शट डाउन हर कंप्यूटर प्रॉपरली, हेल्प हर टू डू सो बाय राइटिंग डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स. यानी कि जैस्मिन को अपना कंप्यूटर ऑफ करना है, तो हमें इसमें स्टेप्स लिखने हैं कि कंप्यूटर ऑफ कैसे करते हैं. तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे और याद कर लेंगे. ये पांचों स्टेप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और हेडिंग क्या देंगे, स्टेप्स टू शट डाउन द कंप्यूटर. तो पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. सेकेंड स्टेप होगा क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन, फिर शट डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. थर्ड स्टेप लिखेंगे स्विच ऑफ द मॉनिटर, फिर मॉनिटर को बंद करेंगे. फोर्थ स्टेप हो जाएगा स्विच ऑफ द यूपीएस, यूपीएस को ऑफ करेंगे. और लास्ट में हम किसको ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ द पावर स्विच, हम पावर स्विच को बंद करेंगे. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई थी, आप लास्ट वाले क्वेश्चन को कॉपी में लिख के याद करेंगे. थैंक यू.